मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकेंड हाफ ऑफ दिस चैप्टर, अ लिटल बर्ड. सीरियोजा थ्रस्ट, फ्रॉम सेकेंड पैराग्राफ वी हैव टू स्टार्ट. सीरियोजा थ्रस्ट इज हैंड इन टू द केज एंड बिगैन टू क्लीन इट. अब सीरियोजा ने अपना हैंड अंदर डाला उस केज के. थ्रस्ट, थ्रस्ट मीन्स पुश्ड सडनली एंड स्ट्रांगली, बहुत ही जोर से पुश करना. उसने एकदम से अपना हैंड अंदर किया केज के और क्लीन कर दिया केज को. बट द सिस्किन वॉज फ्राइटेंड एंड थ्रैश्ड इट सेल्फ अगेंस्ट द बार्स. लेकिन जो सिस्किन थी, सिस्किन इज लाइक अ स्पैरो, स्पैरो के जैसी होती है ये देखने में. लेकिन वो बहुत डरी हुई थी और वो लगातार बार्स के साथ, जो केज की सलाखें थी उनके साथ, वो फड़फड़ा रही थी. आफ्टर ही क्लीन द केज ही वेंट ऑफ टू गेट सम वाटर. जब उसने केज क्लीन कर दिया फिर वो वाटर लेने के लिए चला गया. हिज मदर नोटिस दैट ही हैड नॉट क्लोज द केज. उसकी मदर ने देखा कि उसने केज का जो डोर है वो बंद नहीं किया था. सो ही कॉल्ड आउट टू हिम, इसलिए उसने सीरियोजा को बुलाया. इमीडिएटली द सिस्किन फाउंड द डोर एंड वॉज एक्सट्रीमली डिलाइटेड एज इट्स न्यूली फाउंड फ्रीडम. अब एकदम से जब सिस्किन ने देखा कि डोर ओपन है केज का, तो बहुत खुश हुई कि चलो अब वो यहाँ से फ्री हो जाएगी, आज़ाद हो जाएगी, उड़ जाएगी, उसको न्यू लाइफ मिल जाएगी. क्योंकि कोई भी बर्ड हैप्पी नहीं होता है ऐसे केज के अंदर रह के. द बर्ड स्प्रेड इट्स लिटिल विंग्स एंड फ्लू अराउंड द रूम. अ बर्ड ने अपने छोटे से पंख फैलाए और रूम के आसपास वो उड़ने लगी और ऐसे उड़ते उड़ते विंडो के बाहर चली गई. इट डिड नॉट सी द ग्लास. इसने वहाँ पे ग्लास नहीं देखा लगा हुआ. इट्स लिटिल बॉय स्टक हार्ड अगेंस्ट द ग्लास एंड इट फेल ऑन द विंडो सिल. अब उसकी जो छोटी सी बॉडी थी, इट्स लिटिल बॉडी स्टक हार्ड अगेंस्ट द ग्लास. वो छोटी सी बेचारी जो सिस्किन थी वो बजी उसके साथ, कांच के साथ, एंड इट फेल ऑन द विंडो सिल और ये विंडो सिल के साथ नीचे गिर पड़ी. सीरियोजा केम रनिंग, पिक्ड इट अप एंड पुट इट बैक इन द केज. सीरियोजा आया भागता हुआ, उसको उठाया और वापस से उसको केज के अंदर रख दिया. द सिस्किन वॉज स्टिल अलाइव बट ले ऑन इट्स ब्रेस्ट एंड वॉज ब्रीदिंग हैवीली. सिस्किन अभी तक जिंदा थी लेकिन वो जोर जोर से वो सांस ले रही थी. सीरियोजा कुड नॉट होल्ड बैक हिज टीयर्स. सीरियोजा को उसको इस कंडीशन में देख के बहुत बुरा लगा, वो रोने लगा. ही वेप्ट बिटरली, जोर जोर से वो रोने लगा. ही टर्न टू हिज मदर एंड आस्क्ड हर व्हाट कुड बी डन. अब उसने अपनी मदर को बुलाया और वो पूछता है कि अब क्या कर सकता है वो. देयर इज नथिंग टू डू नाउ शी सेड. उसने कहा अब कुछ नहीं किया जा सकता है. सीरियोजा स्टेड बाय द केज ऑल डे. पूरा दिन वो वहीं उस केज के पास रहा. एट नाइट ही वेंट ऑफ टू स्लीप. रात को सोने चला जाता है. ही स्लीप वॉज डिस्टर्ब. उसकी नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है, उसको नींद नहीं आती अच्छे से. ईच टाइम ही क्लोज हिज आईज टू स्लीप. हर बार वो अपनी आईज सोने के लिए बंद करता है. ही वॉज अवेकन्ड बाय द थॉट ऑफ द लिटल बर्ड फाइटिंग फॉर इट्स लाइफ. लेकिन हर बार उसकी आईज के सामने वही व्यू आ जाता है कि कैसे वो छोटा सा बर्ड फाइट कर रहा था अपनी लाइफ के साथ, लड़ रहा था वो. इन द मॉर्निंग ही रैन टू द केज टू फाइंड द सिस्किन लाइंग ऑन इट्स बैक. अगली सुबह वो भागता हुआ जाता है केज के पास ये देखने के लिए कि सिस्किन वहीं पे होगी. इट्स लिटिल बॉडी वॉज स्टिफ. इसकी जो बॉडी थी सिस्किन की वो अब स्टिफ हो गई थी, हार्ड हो गई थी. सीरियोजा फेल्ट वेरी सैड एंड गिल्टी एज ही फेल्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिस्किन्स डेथ. सीरियोजा को अब बहुत ही ज़्यादा अपने ऊपर गिल्टी फील होता है, बहुत सैड हो जाता है. वो खुद को वो रिस्पॉन्सिबल मानता है सिस्किन की डेथ के लिए. सीरियोजा लर्नड अ गुड लेसन फ्रॉम दिस इंसिडेंट. सीरियोजा को इससे बहुत ही एक अच्छा सबक सीखने को मिला. ही नेवर कॉट बर्ड्स अगेन. उसने क्या सीखा कि वो कभी बर्ड्स को नहीं पकड़ेगा. ही रियलाइज दैट द फ्रीडम टू लिव इन द नेचुरल हैबिटेट शुड नॉट बी डिनाइड टू एनी क्रिएचर. उसने ये भी रियलाइज़ किया कि किसी भी क्रिएचर को, क्रिएचर मीन्स चाहे वो हम इंसान हैं, चाहे जीव जंतु है, जानवर है, पशु पक्षी हैं, हर एक को कहाँ पे उनको फ्रीडम मिलती है, कहाँ पे वो अच्छे से फ्रीली रह पाते हैं अपने नेचुरल हैबिटेट में. अगर उनको वहाँ से हटा के हम कोशिश करेंगे उनको कैद करने की, केज में रखने की, ट्रैप में डालने की, तो वो कभी भी वहाँ पे नहीं रह पाएंगे अच्छे से. क्लियर? आई होप दिस चैप्टर इज़ नाउ क्लियर. थैंक यू.